नमस्कार फ्रेंड, आप IAS के दैनिक हिंदी संपादकीय विश्लेषण में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद 1000 प्लस सब्सक्राइबर के लिए। आप लोगों का इस चैनल के प्रति असीम प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं आज हम अपने डिस्कशन की तरफ। आज हम दोस्तों तीन आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, जो कि तीनों ही आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है UPSC के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। तो इसमें से यदि हम बात करते हैं कि पहला आर्टिकल जो है अपना, ये मिहिर शाह जी का आर्टिकल है, जो कि शिव नाडर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं और ये योजना आयोग के पूर्व सदस्य भी रहे हैं, है ना। तो ये जो इनका जो है तो जल संरक्षण संबंधित ये एक कमेटी में भी जो गवर्नमेंट सेंट्रल जो कमेटी गठित की गई थी 2015 में, तो उसके ये मेंबर भी रहे हैं, अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। तो इन्होंने जो जल संरक्षण के बहुत मतलब एक कारगर उपाय बताए हैं, साथ ही साथ जो है तो जिस प्रकार से बोला जाता है कि पानी को केंद्रीय विषय बनाने चाहिए, इस तरह की लोगों की भी कुछ परसेप्शन देखने को मिलता है ना। तो उन्होंने उस चीज़ पे मतलब काफ़ी अपने सटीक आर्गुमेंट भी दिए हैं कि यहाँ पास किस प्रकार से हमें जल संरक्षण की दिशा में कदम उठाने की ज़रूरत है, और यही इसको केंद्रीय विषय बनाना ही एक कोई मतलब कि यथोचित कदम नहीं है ना। तो इसके संदर्भ में इनके काफ़ी तर्क भी काफ़ी मतलब कि अच्छे हैं। तो हम इस संदर्भ में जल संरक्षण जो कि वर्तमान संदर्भ यदि बात किया, तो आज ही न केवल सिर्फ भारत के लिए बल्कि जल संरक्षण तो आज एक वैश्विक समस्या बन चुकी है, है ना। तो ये जो तो ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसको डिस्कस करेंगे, है ना। और वहीं अपना नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, तो अपने श्रम बाज़ार से रिलेटेड आर्टिकल है कि जो अपने श्रम सुधार हैं, है ना, कि जिस प्रकार से ये लेबर रिफॉर्म की समस्याएं भी देखने को मिलती रहती हैं। तो जो आजकल मतलब हमारी जो कह सकते हैं कि जो कॉरपोरेट सेक्टर वगैरह है, तो इनमें भी जो मंदी के दौर या कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट की समस्याएं भी देखने को मिलती हैं, है ना। तो ये जो हमारे जटिल श्रम कानून हैं, तो इनकी वजह से भी बहुत ही ज़्यादा इनमें लचरता देखने को मिलती है, और जो इसकी एक प्रकार से स्लो डाउन की कंडीशन है, कुछ हद तक ये भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, है ना। तो इसमें से किस प्रकार से मतलब कि यहाँ पर एक प्रकार से ये एडिटोरियल जो है तो श्रम सुधारों से संबंधित थोड़ा सा कुछ मतलब डिस्कस करता है, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। वहीं अपना एक नेक्स्ट आर्टिकल है, ये चाइना से रिलेटेड आर्टिकल है कि हाल ही में जो है तो सोलोमन कंट्री पे के एक द्वीप पे, है ना, एक आइलैंड जो तुलागी नामक आइलैंड है, तो उसको अभी हाल ही में लीज पे 75 ईयर के लिए चाइना ने लीज पर लिया है। तो ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ये भारत के लिए भी बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से एक कह सकते हैं कि एक वो समस्या की वो है, और वहीं चाइना का तो एक प्रकार से प्रभुत्व बढ़ ही रहा है जिस प्रकार से उसको देखा जा सकता है ना। तो इसके हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको हम डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। तो ये अपना जैसे कि पहले ये आर्टिकल ये है कि तुलागी पर चीन का कब्ज़ा जो भी किया गया है, तो उससे संबंधित ये आर्टिकल है। जैसे यदि हम देखते हैं कि जो चीन है तो अपनी आर्थिक ताकत को एक प्रकार से बहुत तीव्रता के साथ वैश्विक उस पर बढ़ा रहा है, है ना। कूटनीतिक और सामरिक बढ़त भी मतलब चीन ने बहुत ज़्यादा मतलब हासिल कर ली है। अब यदि चीन जैसे कि प्रशांत महासागर में बात करते हैं कि इसने सोलोमन के जो पूरा द्वीप है, है ना, उसी को पूरे 75 साल के लिए लीज पर ले लिया है, पट्टे पर ले लिया है, है ना। ये अब यदि हम सोलोमन की बात करते हैं, तो सोलोमन जो है तो ये ऐसा देश है जो लगभग लगभग इसमें से 900 छोटे छोटे आइलैंड है, है ना, सोलोमन द्वीप में, सोलोमन में। तो इसमें से जो है तो ये जो इसमें जो ये इसकी लोकेशन की हम बात करते हैं सोलोमन की, तो ये ऑस्ट्रेलिया के पास जो तो पपुआ न्यूगिनी है उसी की लगभग कह सकते हैं कि नॉर्थ में इसकी लोकेशन है, है ना, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं। तो इस पे से हम इसकी लोकेशन पे भी जाएंगे, है ना। तो यही जो सोलोमन द्वीप की बात करते हैं, तो ये सोलोमन द्वीप की जो है तो ये तुलागी द्वीप जो है तो तुलागी द्वीप इसी सोलोमन का एक पार्ट था, ठीक है, जिसे चीन की कंपनी जो है चाइना एंटरप्राइजेस है उसने इसको लीज पर लिया है। और ये जो द्वीप है इस पर भी जैसे इसकी आबादी तो ज़्यादा वो स्पष्ट नहीं हुई है कितनी पॉपुलेशन है, लेकिन यहाँ पास कुछ होटल रिजॉर्ट वगैरह हैं, यानी कि टूरिस्ट प्लेस के टाइप से यहाँ पास रहा होगा। तो इसको जो है तो चाइना क्या करेगा कि अब एक ऐसा माना जा रहा है कि उसने जो इसको लीज पे लिया है, तो जल्द ही चीन जो है तो अपने यहाँ पास एक प्रकार से सैन्य अड्डे के रूप में यहाँ पास मतलब कि डेवलप कर सकता है, सैनिक या सैनिक अड्डा यहाँ पास बना सकता है, है ना। और लीज के शर्त में भी जो है तो चीन की जो कंपनी है उसको एक प्रकार से औद्योगिक विकास से यहाँ पास की जिस भी प्रकार की वो ज़रूरत जो भी डेवलप करना चाहे तो उसको वहाँ पास एक्सेप्टेंस भी इसकी मिल गई, इस्तेमाल करने की इजाज़त भी उसने दे दी है ना वहाँ पास। तो
जैसे यदि हम सोलोमन की ये जो तुलागी आइलैंड है, तो इसके हम लोकेशन की बात करते हैं, तो ये जो है तो ये तुलागी आइलैंड है ना, यहीं पास जो है तो सोलोमन द्वीप है, यहाँ पास सोलोमन कंट्री टाइप सी है। तो यहाँ पास ये जो लोकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पास ये जैसे ऑस्ट्रेलिया है ना, और ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ पास जो पपुआ न्यूगिनी है, इसके ही ये नॉर्थ ईस्ट पे लगभग लगभग जो है तो तुलागी आइलैंड यहाँ पास ही लोकेट है। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस यदि बात करते हैं हम स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंट है ना। जैसे पैसिफिक ओशियन पे हम बात करते हैं, तो जहाँ पास जैसे कि ये यहाँ पास चाइना जापान है ना, जापान भी है, और यहाँ पास ऑस्ट्रेलिया है। तो इस पे से जैसे कि यदि इसमें हम थोड़ा सा यदि बात करें कि जिस प्रकार से भी क्वाड की बातें हो रही थी है ना, क्वाड के उस पे यदि बात करते हैं कि अमेरिका जो है तो अमेरिका है ना, इस पे क्वाड पे हम बात करते हैं तो अमेरिका है, और भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, और जापान है, ये मिलकर के एक प्रकार से जो क्वाड की बातें चल रही थी। तो उस पे से जो यदि हम इस पे बात करें कि क्वाड जब बनता, तो इसमें से जापान की लोकेशन यहाँ पास है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पास है, और अमेरिका भी इधर साइड मिल जाएगा, और भारत की लोकेशन ये, तो ये क्वाड जो होती है एक प्रकार से मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो तो एक प्रकार से सेंटर पे ही तुलागी आइलैंड आ चुका है ना। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि चीन ने एक कदम आगे ही बढ़कर के पहले से ही इसने मतलब ये ज़्यादा मतलब चीन जो है तो इस दिशा में अपनी कदम बढ़ाने लगा है ना, और रणनीतिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इसकी लोकेशन ये मायने रखती है। तो ये तुलागी आइलैंड, इसको यदि हम और बारीकी से देखते हैं, तो इसकी लोकेशन जो है तो ये सोलोमन आइलैंड वो है, और इसमें से ये है तुलागी आइलैंड की लोकेशन, ठीक है, ये तुलागी आइलैंड है। तो इसी पे जो है तो ये मतलब कि इसी को लीज पे लिया है चाइना की कंपनी ने। तो जो हम अब बैकग्राउंड पे यदि बात करें, तो ये जैसे कि अभी तक सोलोमन दुनिया के उन चंद देशों में था, जैसे यदि हम सोलोमन पे देखो, तो ये पहले जो है तो ताइवान का समर्थक था है ना, जब ताइवान के अलग देश को इसने एक मान्यता दी थी है ना, और वहीं उसके जो ताइवान से भी राजनयिक संबंध भी थे। लेकिन क्या हुआ कि चीन ने यहाँ पास एक प्रकार से पूरा राजनीतिक समीकरण ही बदल दिया है ना। जैसे कि उसने क्या किया कि अपने इन्फ्लुएंस में सोलोमन को ले लिया। अब सोलोमन जैसे उसके इन्फ्लुएंस में आ गया, तो उसने क्या किया कि वैसे भी चाइना एक प्रकार से वन नेशन पॉलिसी पे चलता है, तो ताइवान को भी अपने अभिन्न हिस्सा मानता है। तो जब ताइवान से क्या करे, सोलोमन ने ताइवान से अपने रिश्ते ही पूरी तरह से तोड़ दिए, और साथ ही साथ चीन से राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए। वैसे भी चीन बोलता रहता है कि ताइवान से मतलब कि यदि मतलब कि पूरी तरह से जो चीन से ही आपको राजनयिक संबंध स्थापित करना, कि ताइवान से रखने का कोई औचित्य नहीं है ना, क्योंकि वो ताइवान को अपना ही पार्ट मानता है। तो अब उसने सोलोमन ने जो है तो चीन से राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए हैं, और ताइवान से संबंध तोड़ दिए हैं। तो निश्चित तौर पे इससे जो है तो न केवल ताइवान को बल्कि अमेरिका को भी इससे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि झटका लगा होगा है ना, क्योंकि जिस प्रकार से अमेरिका भी है तो ताइवान को अप्रिशिएट करता रहता है, ताइवान अलग ताइवान को भी एक प्रकार से राष्ट्र के रूप में समर्थन देता रहता है। तो इस दिशा में भी मतलब कि कह सकते हैं कि जो चीन ने जो है तो मतलब कि पूरा अपने रणनीतिक दृष्टिकोण से भी इसमें बहुत ही मतलब कि कह सकते हैं कि आगे की कदम बढ़ा दिए हैं। वैसे तो सोलोमन द्वीप समूह बात करें तो वो हमेशा से एक सामरिक रूप से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है, यहाँ तक कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी बात करें तो इसके सामरिक महत्व को मतलब कि वैश्विक दृष्टि से भी देखा जा सकता था है ना। और जैसे कि अमेरिका जो है तो इस समय प्रशांत महासागर में जो चीनी विस्तारवाद है, तो उसके उसको रोकने के लिए हालांकि मतलब कि तैयारी तो कर रहा है, लेकिन उसके जैसे कि इसमें उसके दो महत्वपूर्ण सहयोगी के तौर पे जैसे कि जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं है ना, वही क्वाड से रिलेटेड है। तो सोलोमन जो है तो उस समुद्री रास्ते पर ही पड़ता है ना, वहाँ पर सभी हमने लोकेशन भी देखा है, जो कि जापान और ऑस्ट्रेलिया को से जोड़ता था। तो इसी रास्ते पर ताइवान भी है, तो यहाँ पास चीन जो है तो एक प्रकार से बीच पे आ गया है, बीच में आकर यहाँ पास से रणनीतिक दृष्टि से बात करते हो है ना, क्योंकि ताइवान जैसे है जापान है, तो यहाँ पास जो है तो एक प्रकार से चीन ने अपनी पहले से ही जो है तो रणनीतिक स्थिति जो है तो फिक्स कर ली है ना, जिससे कि जो है तो इनको काउंटर कर सके चीन। तो अभी जैसे कि हम बात करते हैं कि तुलागी पर जैसे चीन का कब्जा जो है तो ये मतलब कि एक वैश्विक तनाव को भी बढ़ाने वाला है, और साथ ही साथ जो है तो न केवल दुनिया के ऊपर कि इससे सब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब भारत के ऊपर भी इसके बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा ना। जैसे कि यदि हम बात करें कि जैसे कि एक तरफ तो जैसे चीन श्रीलंका के जो हम्बनटोटा बंदरगाह पर भी
इसी प्रकार के सैन्य बेस बना रहा है ना, उसको भी लीज पे ले लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं कि पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को भी उसने कब्जे में ले लिया है। साथ ही वहाँ तक जाने की एक बड़ी एक प्रकार से सीपेक वगैरह भी मतलब कुछ वहाँ पर बनाने की वो बना ही रहा है ना। यही जो इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के नाम पर भी उसने नेपाल में भी जो है तो मतलब काफ़ी कुछ मतलब काम शुरू कर दिए हैं। और उसके अगले इसी कदम में एक तुलागी द्वीप अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के लिए जितना मतलब कि ज़्यादा चिंता का विषय है, उससे कई गुना ज़्यादा तो भारत के लिए है। क्योंकि जिस प्रकार से बात करते हैं कि जो तो भारत को काउंटर करने के लिए चीन जैसे कि जिबूती में भी देखें है ना, वहाँ पास भी जो है तो सैन्य बेस अपना डेवलप कर रहा है ना। तो इस प्रकार से जो है तो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा रणनीतिक दृष्टि से बात की है, तो भारत के लिए भी एक प्रकार से एक बहुत ही मतलब कि चिंता का ही विषय है ना। तो यदि हम अब यदि रिकॉल करते हैं कि चाइनीज़ ने अपनी मिलिट्री बेस का किस प्रकार से प्रसार वैश्विक उस पर किया है, तो उस पर हम थोड़ा सा दीप्रकाश डालने की कोशिश करें। तो यहाँ पर जैसे यह देखा जा सकता है इस मैप के जरिए कि यहाँ पर जैसे कि लगभग 15-16 ऐसे चाइना ने अपने मिलिट्री बेस का एक्सपेंशन कर लिया है ना, जिसमें से हांगकॉन्ग है, हैनान प्रांत ये तो उसके अपने हैं ही। साथ ही जैसे यहाँ पर देखा जा सकता है कि जिबूती की है ना, और वहीं ये यहाँ पास जैसे ग्वादर वगैरह है, तो ये हम्बन टोटा है। तो इस प्रकार से जो है तो चीन का जो है तो एक प्रकार से अपना बहुत ही ज़्यादा विस्तारवादी नीति चीन की देखने को मिल रही है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पास न केवल भारत को बल्कि एक वैश्विक समुदाय को भी इस दिशा में मतलब कि कुछ ध्यान आकर्षित करने की ज़रूरत है ना। तो इस आर्टिकल में इतना ही, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। आर्टिकल है नया भारत का श्रम बाजार से रिलेटेड आर्टिकल है। जैसे कि अभी हाल ही में जो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मिस्टर संतोष कुमार गंगवार हैं, तो उन्होंने औद्योगिक संगठन और श्रम संगठन को एक प्रकार से मतलब उनको कहा है कि जैसे रोजगार की समस्या तो आज देश में बहुत ही ज़्यादा तीव्रता के साथ मतलब फैल ही रही है, तो उससे जो जरूरी नीतिगत बदलाव हैं उससे संबंधित जो सजेशन लेने की प्रक्रिया है, तो उसमें शामिल होने संबंधित उन्होंने एक प्रकार से लोग उस संगठनों को कहा है ना, आमंत्रित किया है। साथ ही साथ जो है तो उनसे देश की जैसे महिला श्रमिक हैं उनकी भी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में भी मतलब सुझाव मांगे हैं। तो ये हालांकि एक सकारात्मक कदम सरकार का माना जा सकता है, जिस प्रकार से रोजगार की समस्याएं देखने को मिलती हैं, तो सरकार यानी इस दिशा में मतलब प्रयासरत है कही जा सकती है ना। अभी हम बात करते हैं कुछ डाटा की कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी के ताज़ा यदि आंकड़े पर बात करें, तो उस आंकड़े में तो बताया ऐसा गया है कि सितंबर महीने में लगभग रोजगार के 17 लाख नए अवसर मिले हैं बने हैं है ना। लेकिन यदि हम वास्तविकता में यदि बात करते हैं अपने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की बात करते हैं, तो उसमें देखें तो यहाँ पर इसके जो परिणाम देखने को मिले लगभग 6.1+ जो बेरोजगारी का स्तर था, तो ये तो 1970 के दशक के बाद से लगभग देश में इससे बड़ा पैमाने पर बेरोजगारी नहीं देखी गई थी। 45+ ईयर के बाद ऐसी बेरोजगारी का स्तर देखने को मिला था है ना, यानी कि बहुत ही बेरोजगारी की समस्या बहुत ही ज़्यादा भयावह रूप ले चुकी थी। सर्वेक्षण में तो इस तरह की आशंका की भी पुष्टि हुई है कि ये बहुत बड़े पैमाने पर जो महिलाएं हैं तो उनमें भी श्रम शक्ति से एक प्रकार से दूरी बना ली है ना, वो भी श्रम उससे दूर हो रही हैं। तो मंत्रालय का जो मौजूदा श्रम कानून है उसको लेकर के 4 संहिताओं के माध्यम से जो है तार्किक बनाने का प्रयास कर रहा है यदि देखा जाए तो। लेकिन समस्या की बात यह है कि इनसे जो है तो इनके बावजूद भी जो वास्तविक श्रम सुधार दूर करने की बात है उस पर प्रयास नहीं हो रहे हैं है ना। जैसे कि जब वास्तविक श्रम सुधार होने से क्या होगा कि नियोक्ताओं को क्या होगा कि कर्मचारियों को रखने और निकालने के प्रकार से स्वतंत्रता मिल जाएगी, तो इससे जो है कि जो कंपनी है तो उनके कार्यों में भी काफ़ी ज़्यादा दक्षता आने की संभावना है ना। दक्षता निश्चित तौर पर आएगी क्योंकि इससे क्या होगा वो स्वतंत्र रहेंगे, जिस प्रकार श्रमिकों को जो है तो नियुक्ता क्या करेंगे कर्मचारियों को रख भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, तो इस प्रकार से एक अकाउंटेबिलिटी सेट हो जाएगी काम करने वाले कर्मचारियों के प्रति। तो ये जो श्रम सुधार है तो इसी वजह से जो है तो इनके एक प्रकार से प्रोटेक्शन सा मिला हुआ है ना। तो इसलिए इस दिशा में कोई ज़्यादा खास कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, तो ये एक प्रकार से ये भी एक मतलब समस्या का कारण ही इसको माना जा सकता है। फिलहाल हालांकि मंत्रालय जो है तो अपनी अतीत की गलतियों को भी यहाँ पर मतलब कि उसको स्वीकारने की ज़रूरत है। साथ ही जैसे देश के श्रम कानून है तो कुछ इस प्रकार के बने हैं कि यदि हम बात करें कि वे जो है तो श्रम संगठन तथा उन लोगों को ही ज़्यादा मतलब उन्हीं लोगों के पक्ष में है जो पहले से ही संगठित और रोजगार में है ना, उन्हीं के लोगों के पक्ष में अभी वर्तमान श्रम कानून है ना। और ये भी एक कारण है कि वो जो है तो बहुत ही ज़्यादा प्रतिबंधात्मक भी है ना,
और यदि हम इनके चलते यदि बात करें कि विनिर्माण वृद्धि में भी एक प्रकार से ठहराव की स्थिति देखने को मिल रही है, इसके पीछे भी ये बहुत ही बड़े कारण के रूप में है। और सरकार को यदि हम मतलब कि एक सजेशन के तौर पे जो है, तो इसका दायरा बढ़ा करके रोजगार चाहने वाले और असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनको भी इसमें शामिल करने की ज़रूरत है। साथ ही जिससे क्या होगा कि वास्तविक श्रम सुधारों के पक्ष में एक प्रकार से पॉजिटिव माहौल बनेगा, और वहीं व्यापक पहुंच न केवल शक्तिशाली निहित स्वार्थ वाले समूहों को का प्रतिरोध करने में सहायक है, बल्कि यह जो है तो देश की अर्थव्यवस्था में जो एक तरह से नए बदलाव आ रहे हैं उसमें भी यह जो तो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा, है ना। अब निवेश को लेकर जैसे धीमे माहौल में भी यदि हम बात करें कि लॉजिस्टिक क्षेत्र है, उसमें जो तो रोजगार के बहुत ही नए अवसर बन रहे हैं। तो इसमें यदि देखें कि इंटरनेट और जो अल्पकालिक रोजगार हैं, है ना, तो उससे उस बेस पे जो अर्थव्यवस्था के जो ये जो है तो अर्थव्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट दे रहे हैं, है ना, ये सहायक साबित हो रहे हैं। तो इन रोजगारों को भी पारंपरिक ढंग के जो संगठित रोजगार तो नहीं माना जा सकता है, हालांकि इनकी जो नियोक्ता जो है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ी कंपनियां ही देखने को मिलती हैं, जैसे कि कह सकते हैं कि ये जो गिग इकोनॉमी के पार्ट भी मतलब कि ज़्यादा इस पे देखा जा रहा है। तो ये इनकी क्या करना चाहिए कि सरकार के इनका एक रेगुलेशन मतलब करना चाहिए जिनका नियमन किया जा सकता है ना। और ये जैसे कि कुछ जो तो अनुबंधित श्रमिकों की तरह ये ज़्यादातर कुछ ऐसी भी हैं जिन्होंने लगभग जो है तो कुछ उस जगह को भरना शुरू कर दिया जो कंपनियों द्वारा नियमित कर्मचारियों को नियुक्ति न देने की वजह से बनी थी, है ना। क्योंकि ज़्यादातर आजकल कंपनियाँ क्या करती हैं कि कर्मचारियों को न रख करके इसी तरह के मतलब कि अपने जो कामों को इसी बेस पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है तो गिग इकोनॉमी के थ्रू जो है तो काम ले रही हैं, है ना। तो कंपनियों को जो इस अनिच्छा का संबंध जो है तो इसके पीछे भी रीज़न ये हो सकता है कि जो मौजूदा अपने श्रम कानून है इस वजह से ज़्यादा शायद कंपनियां इस तरह मतलब कर रही हैं। तो इससे भी जुड़ी जो कुछ अनिश्चितताएं भी हैं, है ना। तो सरकार को ऐसे कामगारों तक पहुंचने का तरीका भी तलाशना चाहिए, है ना। वहीं यदि ज़रूरत हो तो उन्हें संगठित भी किया जाए ताकि वे अपने जो हित की बात भी एक प्रकार से इंटीग्रेट होकर के कर सकें। इससे क्या होगा कि अर्थव्यवस्था की जो एक वास्तविक तस्वीर जो है तो सामने आ सकेगी और सही सरकार कदम भी उठा सकेगी ठोस तरीके से, है ना। अब यदि देश की अर्थव्यवस्था को संगठित स्वरूप प्रदान करने के लिए जो पुराने लक्ष्य जैसे कि नोटबंदी और जीएसटी, तो इस दिशा में हले मतलब कदम उठाए गए हैं, लेकिन जो पुराने लक्ष्य की पूर्ति के प्रयास में जैसे अल्पकालिक रोजगार वाली जो उभरती अर्थव्यवस्था है तो उनको भी अनदेखी नहीं करना चाहिए, है ना। हमें लाभ संरक्षण और रोजगार निर्माण के लिए जो तो बहुत ज़्यादा स्पष्ट और व्यापक रुख अपनाने की ज़रूरत होगी। और हालांकि ये मतलब कि सकारात्मक बात ये मानी जा सकती है कि हालांकि जैसे पीएमओ जो तो श्रम कार्यालय श्रम कानूनों को एक प्रकार से तार्किक बनाने का प्रयास कर रहा है, तो यहाँ पर जरूरी ये भी है कि जो श्रम मंत्रालय भी इस दिशा में एक प्रकार से सकारात्मक भूमिका निभाए, है ना, जिससे जो है तो इस क्षेत्र में मतलब कि एक प्रकार से अपनी अर्थव्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिले। इस आर्टिकल में हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, और ये आर्टिकल अपना है कि अब भी 19वीं सदी में अटके जल उपयोग कानून, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल अपना, और अपने इस साल मतलब कि जो मेंस के एग्ज़ाम में भी जल संरक्षण से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था। तो हम इस आर्टिकल पे देखते हैं कि मतलब कि जैसे कि बात की जाए कि केंद्र सरकार की तरफ से बात की जो भारत में पानी संबंधित जो कानून है तो उसमें जो तत्काल सुधार के लिए जो एक समिति गठित की गई थी, उसमें भी राइटर जो बता रहे हैं कि वो 2015 में उन्होंने इसकी अध्यक्षता भी इस समिति की थी, जल संरक्षण वाली जो समिति थी, है ना। और जैसे संविधान में जो पानी से संबंधित जो मामले हैं तो वो तो राज्य का विषय भी है ना, तो भारत में ऐसी धारणा बहुत ज़्यादा मतलब लोकप्रिय रही है कि पानी जो है तो उसको केंद्रीय सूची का विषय बना दिया जाना चाहिए, है ना। उससे क्या होगा कि राष्ट्रीय जल संसाधनों के एक प्रकार से बेहतर प्रबंधन होगा, लेकिन ये जो परसेप्शन लोगों का ऐसा मानना है कि राष्ट्रीय जल संसाधन इसको बना देना चाहिए, तो ये एक प्रकार से दोषपूर्ण नज़रिया माना जा सकता है। राइटर ने इसको मतलब कि दोषपूर्ण बताया है ना, इसको उचित नहीं ठहराया है। और उन यहाँ पर जैसे कि राइटर बोलते हैं कि जैसे उनकी समिति ने भी इसी से संबंधित मतलब कि राष्ट्रीय जल संसाधन के अगेंस्ट में जो है तो एक प्रकार से उन्होंने अपना व्यू भी दिया, और उन्होंने एक साझा और एक समान संसाधन के तौर पर पानी को अलग प्रकृति को देखते हुए जल प्रबंधन की जो सभी सफल कोशिश है उसके आधार पर जो है तो उन्होंने अनुसांगिकता का सिद्धांत अपनाने की वकालत की है, जिसमें क्या है कि समाधान को समस्या के बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी स्तर पर लाने का जरूरत की बात होती है ना। तो यदि हम बात करते हैं कि लिहाजा जल प्रबंधन को तो हर संभव स्तर तक विकेंद्रीकृत करने की जरूरत, यहाँ पर राइटर करते हैं कि ये जो
एक प्रकार से इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया जाना चाहिए, है ना, इसके संरक्षण को लेकर के। और जल विवादों के समाधान में जो है तो प्रायोरिटी जो है तो हितधारकों को शामिल किया जाए। और संविधान के लगभग जो 73 और 74 अमेंडमेंट हुए थे उसमें जो रेखांकित बिंदु हैं उनको भी यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। यानी कि यहाँ पास राइटर जो जल संरक्षण से संबंधित है तो यहाँ पास जो अपने ग्राम पंचायत और नगर पंचायत हैं तो उनको भी इसमें इन्वॉल्व करने की बात करते हैं, है ना। अब जैसे कि यदि हम बात करें कि हर दिन पानी को लेकर के एक प्रकार से संघर्ष बढ़ने और सघन होने से जो है तो साझा रवैये और सिद्धांतों के बारे में एक बहुत ही ज़्यादा व्यापक राष्ट्रीय मसौदा बनाने की ये तत्काल ज़रूरत है ना, ताकि जो पानी जो है तो उसका एक विवेकपूर्ण और सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण इस्तेमाल किया जा सके। और यदि हम बात करें कि ये जो यहाँ पास जैसे कि इसके संदर्भ में देखें कि इस विवरण में लचीलेपन की भी एक प्रकार से मतलब कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, है ना, इसके उस पर। और ये जैसे हम बात करें आर्टिकल 249 के तहत जैसे कि संसद को ऐसा अधिकार है कि राष्ट्रीय हित में जो तो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो इस तरह जो समिति जो है तो उसने क्या किया कि राष्ट्रीय जल प्रारूप कानून यानी कि यानी कह सकते हैं कि NWFL, है ना, NWFL का एक मसौदा उसने तैयार किया इस समिति ने, जो ये जो राइटर मिहिर शाह हैं इनकी अध्यक्षता में जो 2015 में समिति बनी कमेटी बनी थी तो उसने जो है तो राष्ट्रीय जल प्रारूप कानून एक प्रकार से उसका मसौदा बनाया था, है ना। और उसमें उन्होंने ये मतलब बताया कि हमने जो है तो इसमें बहुत ज़्यादा एक प्रकार से ऐसा प्रस्ताव रखा था कि NWFL जो है तो उसको संविधान के आर्टिकल 252(1) के तहत जो विहित प्रक्रिया है उसका अनुसरण करेगा, है ना। तो 251 आर्टिकल 251 सॉरी 252(1) के तहत जो ये आर्टिकल में है कि जैसे कि दो या दो से अधिक यदि राज्य जो है तो ये विधानसभा इस तरह से एक प्रकार से कानून पारित कराने के लिए संसद को अधिकृत कर सकती हैं अपनी इच्छा से, तो इसका भी इसमें मतलब कि विशेष ध्यान दिया गया इस NWFL प्रावधान में। तो ये जो यह है कि एक प्रारूप कानून है। और इस पे यदि बात करते हैं कि जैसे इसका मकसद जो है तो जल प्रबंधन को केंद्रीकृत करना या पानी को लेकर के संवैधानिक स्थिति बदलना नहीं था, बल्कि इसके स्थान पर ये जो कानून था NWFL है तो ये है तो कानून पानी के संरक्षण विनियमन और प्रबंधन के सिद्धांतों का एक व्यापक राष्ट्रीय विधिक ढांचा था, है ना। और ये केंद्र राज्य और स्थानीय शासन निकायों द्वारा विधायी और कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग को भी एक प्रकार से रेगुलेट करने का काम कर सकता था यह मसौदा। तो जैसे कि NWFL जो है तो एक ऐसा डायमेंशन अपनाने पर जोर देता है जिसमें आम जनजीवन में पानी को एक प्रकार से केंद्रीय और बहुआयामी जगह एक प्रकार से ज़्यादा जगह दी गई है ना। और इस मसौदे की बात करते हैं तो इसमें जैसे पानी तो वैसे भी एक भारत के साझा विरासत ही है और अपने एक प्रकार सभी रूपों में, है ना, ये बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस भी देखी जा सकती है। जैसे पारिस्थितिक प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा भी है तो आजीविका के लिए भी बुनियादी ज़रूरत की तौर पर इसको देखा जा सकता है। वहीं कृषि उद्योग और वाणिज्य जैसी आर्थिक गतिविधियों का जरूरी अंग ही है ना। परिवहन अन्य साधन और जनसमूह समाज इतिहास और संस्कृति का भी इसको एक प्रकार से अविभाज्य अंग ही रहा है। और कई संस्कृतियों में कुछ हद तक कि जैसे इसमें तो हम लोग जैसे अपनी संस्कृति की ही बात करें तो इसमें जो तो दैवीय मान्यता की संज्ञा भी इसको दी जा सकती है और इसी के तहत जो तो पवित्र भी माना जा सकता है ना। जैसे गंगा है तो इसको भी एक पवित्र जो है तो स्वरूप दिया गया है। तो इन दिशा पे भी इन मतलब कि इन चीज़ों पे भी ध्यान देने की जो थी इससे जो है एक प्रकार से जल संरक्षण को भी काफ़ी ज़्यादा इससे बढ़ावा मिलता है ना। हमारे संस्कृति की यदि बात करें तो यहाँ पास तो मतलब कि समुद्र को भी एक प्रकार से ईश्वर के संज्ञा देकर संज्ञा दी जाती है और उसको भी एक प्रकार से पूजा जाता है। तो निश्चित तौर पे ये जो है तो हमारी संस्कृति के साथ साथ जो है तो जल संरक्षण के लिए बहुत बहुत बेहतर तरीका यहाँ पास इसको माना जा सकता है। तो भारत में जो जल नीति और कार्यक्रम है तो उनका जब खाका तैयार किया जाता है तो उसमें इन चीज़ों को एक प्रकार से मार्गदर्शक के रूप में माना जाना चाहिए, है ना, और इन चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ये कानून जो है तो जैसे कि बात करें कि ये एक कानून जो है तो उच्चतम न्यायालय द्वारा जो पानी के बारे में जो दिए गए जितने भी गाइडलाइंस थी तो उनको भी एक प्रकार से ये कवर करता है ना। जैसे ये बात करें कि सार्वजनिक न्यायसत्ता का सिद्धांत और पानी के अधिकार की स्वीकृति, है ना, तो इसमें भी मतलब कि इसको भी इंक्लूड करता है ये मसौदा। वहीं उच्चतम न्यायालय ये भी जैसे कहा उसने कहा था कि
हमारी विधिक प्रणाली में सार्वजनिक न्यायस्था सिद्धांत भी अधिकार क्षेत्र का हिस्सा है ना। राज्य लोक उपयोग एवं मनोरंजन की निमित्त सभी प्राकृतिक संसाधनों का न्यासी है ना। यहाँ पर राज्य को इम्पोर्टेंस दी गई थी। वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि पानी है तो वो इंसानों के वजूद के लिए बुनियादी ज़रूरत है ना, और वहीं अनुच्छेद 21 में निहित जीवन के अधिकार एवं मानवाधिकारों का हिस्सा भी है ना। तो ऑलरेडी वैसे भी हमारी न्यायपालिका ने भी इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस को पहले से ही मतलब कि इंडिकेट किया था। तो जैसे कि बात करते हैं NWFL के जो मुताबिक जो है तो भारत के जो लोगों की एक प्रकार से साझा विरासत भी है। तो यहाँ पास जैसे कि बात करते हैं कि राज्य जो है तो पानी का सभी स्तरों पर जनता का सार्वजनिक न्यास है और सबके फायदे के लिए एक कह सकते हैं कि न्यासी के रूप में पानी को संरक्षित करने के प्रति आबद्ध भी है ना। तो यदि हम NWFL पानी का मुद्दे की बात यहाँ पर से देखते हैं कि जो NWFL ये मसौदा था, ये पानी के मुद्दे को 21वीं सदी पर लेकर आता है। मतलब कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसको थोड़ा सा कुछ मतलब कि और ज़्यादा मॉडिफाई और नए नेक्स्ट प्रोसेस नेक्स्ट स्टेज पे लेकर के ये मसौदा जाता है संरक्षण की दिशा में। लेकिन यदि हम वर्तमान संदर्भ में बात करें तो जो पानी के मतलब कि समझ नज़रिए को परिलक्षित तो करता है यही NWFL वर्तमान के संदर्भ में। लेकिन यहाँ पास हम बात करते हैं कि हमारा जो भूजल है तो अब भी जो है तो 19वीं सदी में बने जो ब्रिटिश कानून है उसी के तहत चलता है ना। जैसे कि उस प्रावधान में था कि जल उपलब्धियों में असमानता बढ़ाने और जल उपयोग में असंवहनीयता को ये बढ़ाते हैं, ये जो ब्रिटिश कानून 19वीं सदी के थे। तो जैसे पूर्ण प्रभुत्व का सिद्धांत भूस्वामियों को ऐसा अधिकार देता है कि उनकी ज़मीन के नीचे जो पूरा समूचा पानी है तो वो उसी जमीन भूस्वामी का है ना, उस कानून के तहत। जैसे कि बात करते हैं कि जैसे ज़मीन का स्वामित्व रखने वाले लोग हैं तो उसकी खुदाई कर सकते हैं, और अगर खुदाई के क्रम में वो अपने पड़ोसी के कुएं में भी जमा पानी को बिखेर देता है तो भी उसमें कोई मतलब कि किसी भी प्रकार का उस पर कार्रवाई नहीं होगी है ना। तो निश्चित तौर पे ये जो है तो बहुत ही ज़्यादा लचर हैं कानून, ज़्यादा मतलब कि इनको ज़्यादा तर्कसंगत बनाने की ज़रूरत है ना। तो ये जो है तो इसका एक प्रकार से कह सकते हैं कि नकारात्मक इसके परिणाम भी देखने को मिलते हैं है ना। और ये जैसे कि यदि बात करें हम जल विज्ञान के जरिए यदि हम बात करते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर ढंग से इसको समझा जा सकता है। जैसे कि किसी भी भूखंड के नीचे जो मौजूद पानी होता है तो उसको रिचार्ज के तौर पर नहीं निकाला जा सकता है ना। अधिकांश जलाशय जो होते हैं उनके रिचार्ज क्षेत्र उस जल भंडार स्थल का केवल एक हिस्सा मात्र ही होता है ना। अब जैसे कि जब कई लोग एक ही समय पर भूमिगत जल का दोहन करते हैं तो पंपिंग के अलग अलग केंद्रों के बीच जटिल व्यवधान की स्थिति भी पैदा होने लगती है। तो भारत में यह बात बहुत ज़्यादा एक प्रकार से कह सकते हैं कि आम बात ही है, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा होता है कि जैसे कुएँ ज़्यादा नज़दीक नज़दीक देखने को मिलते हैं तो जब ज़्यादा पास पास रहेंगे तो उनका जो जल स्तर है तो ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा निकलेगा तो लगभग इसका भी वाटर लेवल डाउन हो जाता है ना। तो इस प्रकार की समस्याएँ भी देखने को मिलती रहती हैं। तो यहाँ पर जो है तो जल स्तर के गिरावट का भी एक प्रकार से कारण ही रहा है ना। और इसके दुष्परिणामों के खिलाफ कोई यहाँ पर विधिक संरक्षण भी उपलब्ध नहीं है। तो इससे क्या होता है, करोड़ों लोग जो है तो करोड़ों की ज़िंदगी और आजीविका पर एक प्रकार से संकट की स्थिति खड़ी हो जाती है। तो इसीलिए जो है तो हमारी समिति मतलब कि जो पैनल बैठी थी 2015 की, तो उसने जो है तो मॉडल भू संरक्षण प्रबंधन विधेयक 2016 का उसने मसौदा भी तैयार किया था है ना, जिसमें क्या किया गया था कि NWFL के सिद्धांतों का ही उसमें प्रयोग किया गया था है ना। और यहाँ पर जैसे कि एक प्रकार से तर्कसंगत उपयोग के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए वह कहा भी गया था कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह से भूजल का इस्तेमाल कर रहा है कि दूसरे लोग पानी के अधिकार से वंचित हो जाते हैं तो उसे गैरकानूनी माना जाएगा ना। यानी कि इस प्रकार से कह सकते हैं कि इसको थोड़ा सा मतलब कठोर कानून बनाया गया ताकि लोग जो है तो इसकी जल की महत्ता को समझें है ना, और इसके जो दुरुपयोग हो रहा है तो उसको मतलब कि बेहतर तरीके से उसका सदुपयोग करने पे ज़्यादा प्रेरित हों ना। तो जैसे कि इन कानूनी सुधारों उपायों के बगैर तो पानी की अहमियत को लेकर किए गए जो बेहतरीन प्रयास हैं उनको तो नज़रअंदाज कर सकते हैं। यह नया कानून के परिप्रेक्ष्य बात करें तो भारत में जल प्रबंधन की दिशा में नवाचार लाने का एक प्रकार से आधार साबित हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये जो है तो जल संरक्षण की दिशा में बहुत ही बेहतर का मतलब कि इसको कदम माना जा सकता है ना। तो बस आज के इस आर्टिकल में दोस्तों इतना ही। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद।